हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बेटा देखो, जिसने बीएमई का वीडियो देखा है ना, समझो बीएमई के पैटर्न में ही अपन को सिविल का करना है बेटा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज एडअप होगा, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है बेटा? चलिए, तो भाई लोग पढ़कर क्या जाएंगे? देखो भाई लोग हमारे पढ़कर जाएंगे, पहली बात तो यूनिट वन पढ़कर जाएंगे, जो हमने पूरा करवा दिया है मालिक, ठीक। उसके बाद मेरा बच्चा पढ़कर जाएगा यूनिट नंबर टू, मैंने थ्योरी न्यूमेरिकल सब कुछ करवा दिया है। सारी वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। उसके बाद मेरा बच्चा पढ़कर जाएगा यूनिट नंबर थ्री, जो कि छोटा सा है। तो मतलब कुल मिलाकर आपको पूरा सिविल पढ़कर जाना है। अब एक बात आप समझिए, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डिमांड ये रहता है कि कम से कम बच्चा मैकेनिक्स के कुछ पार्ट को क्या करे बेटा, सॉल्व करे, है ना? भले वो सही हो या गलत हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मैकेनिक्स टच करना पड़ेगा। तो मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ लेना बेटा, मैकेनिक्स में आप इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है वो आप पढ़ सकते हो, उसके अलावा सेंट्रॉइड जो आपका चैप्टर है वो आप पढ़ सकते हो, उसके अलावा ट्रस आप देख सकते हो थोड़ा बहुत, और SFD BMD अगर आप देखोगे तो अच्छी बात। तो ये तीन चार टॉपिक आप देख लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन टॉपिक में एकदम सही करके आओ, लेकिन एटलीस्ट इन टॉपिक को टच करना जरूरी है। जब आप टच कर दोगे आप इजिली पास हो जाओगे। देखो मैकेनिक्स का मैंने कोर्स भी निकाला था, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये था बेटा कि मैकेनिक्स जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, जो सिविल ब्रांच वाले बच्चे, उनके लिए जो मैकेनिक्स का पार्ट है ना, ये आगे क्या होगा बेटा, यूज होगा, ठीक है? तो वो परेशान ना हो, इसलिए मैंने इसका बकायदा कोर्स निकाला था। तो अगर आपका ब्रांच मैकेनिकल या सिविल है, अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कोर्स लो, क्योंकि आप लेट हो चुके हो, आप कहीं से भी यूट्यूब से पढ़कर एग्जाम दे दो। लेकिन एग्जाम के बाद बेटा मैकेनिक्स आप पढ़ लेना, क्योंकि जब आप मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे आपके जो मेन सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और बाकी जिनका ब्रांच CS वगैरह है, तो आप लोग पैनिक नहीं करना है बेटा, कहीं से भी यूट्यूब से भी, है ना, इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ताकि आप क्या करो, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाओ, ठीक है? भले वो सही हो या गलत हो, ठीक है? उसके अलावा वही चीज कॉमन है कि आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, फिगर पे आपको फोकस करना है बेटा, और जो न्यूमेरिकल है वो तो करना ही है, क्योंकि मैंने सिविल का भी न्यूमेरिकल अच्छे से करवा दिया है, और न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आता है तो ये पूरा नंबर देकर जाता है, ठीक है? इसके लिए सर का दर्द मत लेना, ठीक है? ये वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट में कोर्स कर दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर कोर्स नहीं लिया मैकेनिक्स का तो मत ही लेना, एग्जाम के बाद लेके भले पढ़ना, अगर आपका ब्रांच मैकेनिकल और सिविल है तो, क्योंकि आपके लिए मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट। अगर आप यहां पे छोड़ोगे तो आपको आगे चल के दिक्कत होगा। और अगर आपका कोई और ब्रांच है, थोड़ा बहुत यूट्यूब से सर्च करके एक ओवरऑल आइडिया निकाल लेना कि ट्रस कैसे सॉल्व होता है, सेंट्रॉइड कैसे सॉल्व होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या, तो ये थोड़ा बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो ये थोड़ा बहुत आप कर लेना, ताकि एग्जाम में बस मैकेनिक्स के पार्ट को आप टच कर पाओ। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए बेटा। सिविल मैंने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को करवा दिया है, इंपॉर्टेंट के चक्कर में प्लीज मत पढ़ना, क्योंकि वहां भगदड़ मचेगा, क्योंकि किसी को पता नहीं आना क्या, इस बात को आप समझो, ना मुझे पता ना आपको पता है, ठीक है? पूरा पढ़ के जाओगे तो कंफर्म रहेगा कि हाँ इसी से आएगा। होता है क्या, आधा पढ़कर जाएंगे, आधा छोड़ेगा, कहीं छोड़ कर गया उसमें से आ गया, तो भैया रिक्स नहीं लेना। आपके पास वीडियोस है, 40 वीडियोस हैं सिविल के, जो पूरे सिविल को मान के चलो कंप्लीट करते हैं, ठीक है? अपने और अपनों का खूब ख्याल रखे, आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, लिख कर आना अच्छे से, है ना? 22, 25, 30 जितने पे लिख सकते हो, ठीक है? बाय बाय।